मध्य प्रदेश के पनानागर तहसील में दबंगों पर जातिगत भेदभाव के चलते एक शव यात्रा निकालने के लिए रास्ता नहीं देने का आरोप है, जिसके बाद मृतक के परिजनों को तालाब के रास्ते शव यात्रा निकालनी पड़ी। गांव से शमशान घाट जाने वाली कच्ची सड़क बरसात में डूब गई थी, जिसके बाद आवाजाही के लिए खेत का रास्ता बचा था, लेकिन पिछड़ी जाति के लोगों को उस रास्ते से शव यात्रा निकालने से रोक दिया गया। मजबूरन मृतक का परिवार तालाब के रास्ते शव को शमशान तक ले गया। बताया जा रहा है कि जिस रास्ते से जाने के लिए पिछड़ी जाति के लोगों को रोका गया वो सरकारी जमीन है, जिस पर दबंगों ने अपना कब्जा कर रखा है। लेकिन हैरत की बात यह है कि आज तक प्रशासन ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। निचली जाति के लोगों ने आरोप लगाया था कि ऊंची जाति के कुछ दबंगों ने अपने खेत से उन्हें शव यात्रा नहीं निकालने दी, जिसके बाद उन्हें तालाब के रास्ते शमशान घाट तक जाना पड़ा। यहाँ जितनी भी फ्यूनरल्स डेथ बॉडी होती हैं उनको यहाँ ले जाने में बड़ी तकलीफ होती है। पंचायत रोड बनाना भी चाहती है तो जो भूस्वामी दबंग लोग हैं वो अपना कब्जा दर्शा करके और ग्राम पंचायत को कोई भी कार्य नहीं करने देना चाहते। तो हम लोग प्रशासन शासन से मांग करते हैं कि यहाँ के ग्रामीणों को जो बेसिक सुविधाएं हैं ये सुविधा उन तक पहुँचाई जाए और कम से कम अंतकाल में लोगों को ये लोग जो इंक्रोचमेंट करे इनको हटाया जाए। इससे पहले खबर आई थी कि ओडिशा के पिछड़े जिले कालाहांडी में एक आदिवासी को अपनी पत्नी के शव को अपने कंधे पर लेकर करीब 10 किलोमीटर तक चलना पड़ा। उसे अस्पताल से शव को घर तक ले जाने के लिए कोई वाहन नहीं मिल सका था। व्यक्ति के साथ उसकी 12 वर्षीय बेटी भी थी। वहीं ओडिशा के ही बालासोर में एक डेड बॉडी को वहशियाना तरीके से हड्डी तोड़कर गठरी में बांधा गया और फिर डंडे पर बांधकर पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। NMF न्यूज़ की रिपोर्ट।